द केयर टेकर एक मिस्टीरियस आदमी है और एक सीरियल किलर है। ये मैंने अभी तक एक लौता ऐसा क्रीपी पास्ता देखा है जो कि प्लेयर्स के रियल लाइफ को भी अफेक्ट करता है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर होने वाला है क्विंसी और उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स बेथनी और जॉन। वो तीनों एक सर्वर में खेला करते थे जो कि क्विंसी की मॉम ने उसके लिए खरीदा था। उस सर्वर में कुछ भी अजीब नहीं था और वो एक पूरा नॉर्मल सर्वर था। उस दिन वो सर्वर ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एकदम से उन सभी का गेम ब्लैक एंड वाइट हो गया। बेथनी ने कहा कि ये हो सकता है कि ये कोई नया फीचर आया हो और उन्होंने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया और गेम कंटिन्यू रखा। अगले दिन उस सर्वर पर सब कुछ नॉर्मल था और वो ब्लैक एंड वाइट वाला इफेक्ट भी चला गया था और वो लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें पिकैक्स कौन सा मटेरियल का बना है ये पता लगाने के लिए उन्हें उसका नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। उस दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उनकी स्काइप कॉल बहुत ज़्यादा लैग कर रही थी जबकि उनका वाईफाई बहुत सही चल रहा था बाकी दिनों के कंपैरिजन में। अगले दिन अजीब चीज़ें होने स्टार्ट हो गईं। जैसे सर्वर तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जॉन उस दिन स्कूल नहीं आया था और उस दिन जब वो सर्वर में आए तो उसकी आवाज़ एक बच्चे जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जॉन नहीं बल्कि कोई आदमी बोल रहा है क्योंकि आवाज़ बहुत भारी और स्क्रैची होती है। वो दोनों जॉन से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, तो वो बोलता है कि वो बीमार है। वो समझ जाते हैं कि किसी भी हालत में ये जॉन नहीं हो सकता है। जॉन के बैकग्राउंड में ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई बच्चा जिसके मुंह पे हाथ रखा गया हो और वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। वो दोनों से पूछते हैं कि ये बैकग्राउंड में कैसी आवाज़ें आ रही हैं, तो जॉन कहता है कि ये मेरा डॉग है। अब इस वक्त वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जॉन के पास कभी कोई डॉग था ही नहीं। अब कोई इनसे सोने जा रहा होता है, केवल वो और बेथनी खेल रहे होते हैं और जॉन बहुत पहले से ही गेम को छोड़ के चला जाता है। क्विंसी बेथनी को बाय बोल के कॉल काट देता है, लेकिन स्काइप कॉल का ऐसा सीन है कि मतलब अगर तुम कॉल काटने वाला बटन दबाते हो तो 2-3 सेकंड बाद कॉल करती है और इसी बीच उसे बेथनी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो उसे फिर से कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बेथनी उसका कॉल नहीं उठाती है। अगले दिन बेथनी उसके साथ खेलती है और उसकी आवाज़ बिल्कुल उसी आदमी जैसी होती है जो जॉन की आवाज़ निकाल रहा था। लेकिन मैं समझ जाता हूँ कि ये बेथनी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ खेलना शुरू कर देता हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आदमी आके करना क्या चाहता है। मैं उसे कल के चिल्लाने के बारे में पूछता हूँ, लेकिन वो उस टॉपिक को बदल देती है। बेथनी का बिहेवियर भी बदल गया था, कभी बेथनी बस उसे घूरने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बेथनी क्विंसी के पास धीरे से आती है और क्विंसी पर अटैक कर देती है आयरन स्वॉर्ड से। क्विंसी उसे बच के भागता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता लगता है कि बेथनी की गर्ल वाली स्किन बदल के एक ब्लैक एंड वाइट स्किन बन चुकी है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमोनिक लगती है। और क्योंकि क्विंसी की हंगर कम होती है इसलिए वो अननोन प्लेयर उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वो उस पर अटैक करता है उसका लैपटॉप क्रैश हो जाता है। जब वो अपना लैपटॉप फिर से ऑन करता है तब उसका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा होता है और तभी एकदम से उसका कैमरा ऑन हो जाता है। फिर वही मिस्टीरियस आदमी उससे बताता है कि अब वो जानता है कि क्विंसी कैसा दिखता है, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, सब कुछ उसके पास है। फिर वो मिस्टीरियस प्लेयर उसे उसका एड्रेस भी बता देता है और अब क्विंसी बहुत डर जाता है, उसका लैपटॉप बंद नहीं हो रहा होता है और एंड में वो उसे तोड़ देता है। इस इंसिडेंट के बाद क्विंसी इस सब के बारे में अपनी मम्मी को बताता है और वो पुलिस से कॉन्टैक्ट करती हैं। फिर क्विंसी के घर के बाहर पुलिस को 7 दिनों के लिए निगरानी करने के लिए कह दिया जाता है। अगले दिन क्विंसी की मम्मी रोते हुए उसे एक फ़ोटो दिखाती हैं जिसमें न्यूज़ होती है कि जॉन और बेथनी को उनके रूम में टॉर्चर करने से उनकी डेथ हो गई है। ये देख के क्विंसी भी रोने लग जाता है और उसकी मम्मी कहती हैं कि वो कल ही नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब अगर एक ऐसे ही किसी और क्रीपी पास्ते की स्टोरी समझनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो, और अगर विदर की स्टोरी जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देख लो। बीच में मेरे चैनल का लिंक है, तो तुम लोग अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड लाइक है मैं 450 लाइक एंड भाई देखो अगली वीडियो।